हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं कविता जैन, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी मसाला मूंगफली दाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सर्च करें कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हमें दानों को रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है और इसमें लगभग 200 ग्राम दाने डाले हैं। लो या मीडियम फ्लेम पर हमें दानों को रोस्ट करना है। आप देखेंगे कि दाने रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें इस तरह से इनके सारे छिलके निकाल लेना है। मैंने इस तरह से दानों के सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इन दानों को टेस्टी मसाले में करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च और चुटकी भर हींग। ये सारे मसाले मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं। अब हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। अब सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसाले को अब हम 1 सेकंड के लिए थोड़ा भून लेंगे। अब सारे दाने हम इसमें डाल देंगे। अब दानों को हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर नीचे मिलाकर अच्छे से चला लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार मसालों की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारी टेस्टी मसाला मूंगफली तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसे 20 से 25 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।